दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इलाज खातिर सिंगापुर जा रहल, नेकपा के अध्यक्ष दाहाल आज स्वदेश लौट रहल। बारापरसा के आनी पीड़ित खातिर आवास निर्माण कार्य अंतिम चरण में, टोकल समय में ही घर देवे के सेना के तैयारी। सीमावर्ती चुरे क्षेत्र के बासिंदा केरा खेती तरफ आकर्षित, केरा खेती आमदनी के मुख्य स्रोत बन रहल। कंगो में फैलल इबोला के महामारी अंत करला और 3 बरस लागे, नियंत्रण में गंभीर चुनौती सब देखल गई, अभियंता सब के कहना। आ अर्जेंटीनी फुटबॉलर लियोनल मेसी पर अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में प्रतिबंध, 3 महीना के प्रतिबंध साथे 50,000 अमेरिकी डॉलर जरिमाना। अब पूरा समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सिंगापुर जा रहल बानी। आज राति 9:45 बजे सिल्क एयर के विमान से 9 सदस्यीय टोली के साथे प्रधानमंत्री ओली नियमित स्वास्थ्य परीक्षण खातिर सिंगापुर जा रहल बानी। टोली में प्रधानमंत्री पत्नी राधिका शाक्य, चिकित्सक, सुरक्षा गाड़ा, सहयोगी समेत रहल बाटे लोग। किडनी प्रत्यारोपण कैल प्रधानमंत्री ओली हरेक 3 महीना में स्वास्थ्य परीक्षण खातिर सिंगापुर जात रहनी, लेकिन काम में व्यस्त भैला बाद ई बेर कुछ लेट करके जा रहल बानी। इससे पहले प्रधानमंत्री ओली त्रिवी शिक्षण अस्पताल काठमांडू में 3 बेर स्वास्थ्य परीक्षण करा चुकल बानी। यही बीच श्रीमती सीता दाहाल सहित यूएई गइल नेकपा के दोसर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आज स्वदेश लौट रहल बानी। अध्यक्ष दाहाल 8 दिन लंबा यूएई भ्रमण पूरा करके आज रात स्वदेश लौटे लागल, दाहाल के निजी सचिवालय जनौले बा। जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेड के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार पौडेल जनता के प्रत्यक्ष लगानी में समृद्ध नेपाल निर्माण के महाअभियान में जुटल बतौले बानी। जनता टेलीविजन के दोसर का वार्षिक उत्सव तथा एसटी प्रविधि शुरुआत के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष पौडेल जनता टेलीविजन, जनता समाचार .com, प्रकाशन डबलिया, रेडियो जनता होखत, खेलकूद कलेज स्थापना करके अभियान में रहल बतौनी। हाम्रा कार्यक्रम दाजु भाउजू दिदी बहिनी भिनाजू साथी सबै सँगै बसेर हेर्न सकिने, आमा बुवा सँगै बसेर हेर्न सकिने हुनुपर्छ, त्यो ब्यारियर चाहिँ ख्याल गर्नु चाहिँ भनेर चाहिँ भनेका छन्। कार्यक्रममा जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडकै कार्यकारी निर्देशक डाक्टर रमेश पौडेल हिमाल लेके तराई तक जनताकै एक एक रुपियाँ जोडके हजारौँ के मालिक बनाऊ के उद्देश्यके साथ आगे बढल बताउने। यो मेचीदेखि महाकाली सम्मका, उत्तरका हिमालदेखि दक्षिणका समग्र तराईसम्मका विभिन्न जात जाति भाषा भाषी र धर्मावलम्बीहरू समेतले थोरै थोरै मैले अघि भने जस्तै थोपा थोपा जम्मा गरेर तिनीहरूलाई समेत मिडिया हाउसको मालिक बन्ने अवसर प्रदान गरेर तपाईँहरूबाट जे जति हामीले सहयोग शुभेच्छा र व्यवसाय प्राप्त गर्छौँ त्यो सबै नेपालको भूमिमा सञ्चित गर्ने हिसाबले, सबै जिल्लामा पुर्याउने हिसाबले, त्यसको एउटा आर्थिक रूपमा रक्त सञ्चार प्रवाह गर्ने हिसाबले हामीले धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूलाई यो पङ्क्तिमा लामबद्ध गराउने हिसाबले यो अभियान थालेका हौँ। नेपाल विज्ञापन संघ आन के अध्यक्ष रविन्द्र कुमार रिजाल मीडिया कानून स्थिर बनावेला आ टेलिभिजन सबके हित रक्षा खातिर विज्ञापन एजेन्सी आ टेलिभिजन सञ्चालक सब एकजुट होखे परेके जोड देहनी। मीडियाका सञ्चालक ज्यूहरू जो जनताका लगानी गरेर आउनुभएको छ भनौँ न, लगभग अहिले तत्काल भन्यो भने नेपाल टेलिभिजन पछि दोस्रो रूपमा चाहिने नागरिकको लागि देखिनु भएको छ भने फेरि पनि शुभकामना दिँदै यहाँहरूसँग नेपाल विज्ञापन सङ्घ सधैँ हातेमालो सधैँ सहकार्य गर्न तयार छ र कहीँ कतै आवश्यक पर्यो भने हामी तपाईँहरूप्रति जवाफदेही भएर पनि सरकारसँग अगाडि बढ्न सक्छौँ। धन्यवाद। कार्यक्रममा जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडकै नायब महाप्रबन्धक माधव कार्की, प्रविधिसे सम्पन्न टेलिभिजन प्रसारण कर रहल कहत विभिन्न कार्यक्रम उत्पादन सबके सहभागिता खातिर आह्वान कैने। हिजो जनता टेलिभिजन कहाँ थियो भनेर खोज्नुपर्ने अवस्थामा अहिले जनता टेलिभिजन तपाईँहरू माझ उभिसकेको छ, तपाईँहरूको मिडिया प्लानमा चाहिँ हाम्रो नाम पर्न जान्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। कार्यक्रममा यी वर्ष टेलिभिजनकै सर्वाधिक विज्ञापन देवेला विज्ञापनदाता तथा
एजेंसी सबके सम्मान समेत कैल गेल रहे। नेपाली सेना 12 आप वर्षा के आंधी पीड़ित खातिर निर्माण कर रहल आवास के काम अंतिम चरण में पुगल जनौले बा। 2075 चैत 17 गते एतवार के सजिया 12 आप वर्षा में आयल भीषण आंधी के कारण पूर्ण रूप में क्षति भइल घर सबके पुनर्निर्माण खातिर नेपाली सेना जिम्मा लेहले रहे। घर निर्माण खातिर जगह के क्षेत्रफल 348.60 वर्ग फीटा 545,985 रुपया लागत में प्रति घर निर्माण हो रहा बा। प्रारंभिक तथ्यांक संकलन में 12 में 1362 पर्सा में 94 घर रहला पर भी पुनः तथ्यांक संकलन कैला पर पुनः क्षति भइल घर के संख्या घट के 12 में 846 पर्सा में 62 रहल बा। सेना सरकार से देहल समय सीमा सावन 26 गते भीतर सब घर निर्माण कर चुके के जनौले बा। आठ सय 81 घरहरू हामीहरूले निर्माण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आएको छ। त्यो अनुसार हामीहरूले अहिले चाहिँ 867 घरहरू निर्माण गर्ने, जसमध्ये चाहिँ बाँकी 14 घर चाहिँ विवादित भएर निर्माण गर्न नसक्ने अवस्थाको रहेछ। त्यो 867 घरमध्ये हामीलाई दिएको म्यान्डेट अनुसार हामीले यो भाद्र 26 गतेसम्म हामीले यसमा चाहिँ सम्पूर्ण घरहरूमा चाहिँ हामीले छाना राखेर र पर्खालहरू उठाएर हामीले पुरा गर्ने चाहिँ हामी लक्ष्य लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ। सेना नयाँ आवास निर्माण निर्धारित समयमै पुरा गरेके कहत यी काममै पीडित सब समेत सहयोग गर रहल जनाउले बा। भोजपुरी समाचारमे अब थप समाचार। नेपाल खातिर जापानी राजदूत मासा चिनी साइगो नेपाल जापान द्वितीय सम्बन्धमे आयाम सब थपाएके काम जारी रहल बताउले बानी। पहिलका नेपाल जापान मेडिकल कन्फरेन्स के शनिचरके उद्घाटन करत राजदूत साइगो मेडिकल क्षेत्रमे उच्च शिक्षा हासिल गर्ला नेपाली चिकित्सकके जापान सरकारसे पूर्ण सहयोग कैल बताउने। उसै त्रिवी शिक्षण अस्पताल वीर अस्पताल परोपकार प्रसूति गृह पुनर्निर्माणके साथे उहाँ कार्यरत चिकित्सक सबके थप शिक्षा तालिम दे रहल बताउने। In many years after the retreat in Nepal, that if you were traveling overseas and had to go to the hospital because of sudden illness or injury, it might be difficult for you to meet doctors who are quite rare to speak Japanese. राजदूत साइगो नेपाल जापान दौत्य सम्बन्धीकै थप मजबूत बनाउने बेला G2G प्रणाली अन्तर्गत दक्षिण एसियामै पहिलका देशके रूपमे नेपाली कामदार लैजाए लागल भी जानकारी देहने। जापान पहिलका बेर विक्रम सम्बन्ध 1902 चिकित्सा विज्ञानके 8 विद्यार्थीके पूर्ण छात्रवृत्तिमे जापानले गइल गइल रहे। नेपालके विभिन्न ठाउँसे भारतके नयाँ दिल्ली चलेवाला बसमे लुकाके हुखेवाला तस्करी अभी तक रुके नै सकल। सशस्त्र प्रहरी बल 38 नम्बर गुल्म राजेश्व भन्सार सुरक्षा भैरवा बड़का परिणाम में दिल्ली से बुटबल लिया रहल कपड़ा पकड़ लेबा। बुटबल दिल्ली चले वाला लू 1649 नंबर के यात्रुवाहक बस चेक जांच के क्रम में सीट नीचा बनावल फॉल्स बटन में लुका के लियाइल 6,50,000 रुपया बराबर के सामान पकड़ लख। बुटल आने गाड़ी में शङ्का लागि चेक जाँच गर्ने क्रममा फल्स बटन बनाई लुकाइराखेको अवस्थामा विभिन्न किसिमका लत्ता कपडाहरू लगभग 6,50,250 मूल्य बराबरको हामीले बरामद गरी गाडी अनि चालक सवार सहचालक सहित भन्सा भैरव बन्द कार्यालयको लागि आवश्यक कार्यको लागि बुझाउँदैछौँ। सशस्त्र प्रहरी बस चालक सहचालक सहित पकडाइल कपडा आ बसके भैरव भन्सार कार्यालयके बुझाउल गेल बा। अभिन देश में भ्रष्टाचार घटल बा या बढ़ल बा, घटल बा बढ़ल बा जैसन के तैसन बा, प्रतिक्रिया खातिर एनटीसी एनसेल आ स्मार्टफोन प्रयोगकर्ता सबसे जेटीबी स्पेस पोल स्पेस ए बी वा सी टाइप करके 3433 में एसएमएस पठावे खातिर निहोरा करत बानी छन्। एसएमएस मार्फत सावन महीना भर में प्राप्त भइल मत सर्वेक्षण के नतीजा 2 गते सार्वजनिक होखे। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचार के साथ में एनआईसी एशिया बैंक को चमत्कारी खाता आज गए आफ्नो र आफ्नो पूरे परिवार को खाता खोली हालौं। नेपाल को नंबर 1 PPR पाइप नेपाल टॉप
सब ठीक ठाक। झापा आ इलामके सीमावर्ती चुरे क्षेत्रके बासिन्दा केरा खेती तरफ आकर्षित भइल बा। कुछ वर्ष पहिले तक सिंचाई अभावमे जमिन खाली राखेवाला इलामके रोङके स्थानीयसे अभिन केरा खेतीके आमदानीके मुख्य स्रोत बनाउले बा। पानी अभावसे 10 साल पहिले तक इलामके रोङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 ज्यादातर जमिन पर्तिए रहे। अभिन बर्फल्याङ दुधे बगैचा धनसार क्षेत्रके बासिन्दा व्यावसायिक रूपमे केरा खेती कर रहल बा। केरा नै सबैभन्दा अलिकति डाँडा ठाउँमा भनेको चिसो अलिकति सन्तुलन गर्ने बिरुवा भएको कारणले यसले सुपारीलाई पनि अलिकति सरल बनाउँछ हुर्किनमा, नभए सुपारीको बिरुवा पनि यो ठाउँमा हुँदैन। अनि कोला चाहिँ त्यो कारणले चाहिँ अलिकति हामीले कोला र सुपारी गरेर लगाउँछौँ। स्थानीय से उत्पादन कैल केरा के समेत निमन बजार मिलल बा। किसान से उत्पादन कैल केरा खरीद करेला व्यवसायी सब खेतबारी में ही पुगेला। व्यवसायी सब प्रति घारी 100 रुपया से लेके 300 रुपया तक में किनेला। रोंग गांव पालिका के केरा खेती के पॉकेट क्षेत्र मान के विभिन्न कार्यक्रम समेत संचालन हो रहल बा। रोंग गांव पालिका वार्ड नंबर 2 में जमा हामीले 2 इसमें परि विभाजन गरेको छौं। एउटा चाहिँ यो बदमतार एरियामा बर्फल्याङ विशेष गरेर धनसार मङ्गलडारको एरिया सुक्खा एरिया छ, यो एरियामा चाहिँ प्राय गरेर यहाँका मानिसहरूले सुपारी र केरा नै लगाउने चलनले गर्दाखेरि पनि हामीले सुपारी जोन कार्यक्रम भनेर केराको यो जुन ल्याइराखेको छौँ। स्थानीय से उत्पादन कैल केरा झापा के सनिश्चरे बिर्ता मोड होकत राजधानी काठमाडौँ तक पुगेला। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। प्रजातांत्रिक गणतंत्र कंगो में फैलल इबोला के महामारी अंत करला अभी भी कमती में 3 लगे के जनावल गई बा। इबोला विरुद्ध के अभियान में समन्वय कर रहल सरकारी टोली अभी तक इबोला के 50% संक्रमण ही पहिचान भइलासे पूर्ण रूपमे नियन्त्रण गर्ला 3 लागेके जनाउलख। समन्वय समितिके जु ज्याक्सन मुएबी इबोलाके महामारी नियन्त्रण गर्ला गम्भीर चुनौती सब देखल गइल बताउलन। उहाँके इबोला महामारी नियन्त्रण खातिर अभिन कैलासे भी बेसी प्रयासके जरुरी रहल स्पष्ट कैलन। रुवान्डासे सीमा जोडल गोमा शहरमे भी इबोलाके संक्रमण फैला बाद चिन्ता थपाइल बा। यी हप्ता इबोलाके कारण निधन भइल गोमाके एक व्यक्तिके 10 रहल बा, बाकी बहुते व्यक्ति में भी संक्रमण फैल बताओल गइल बा। इबोला के कारण कंगो में 1800 से भी बेसी मृत्यु हो चुकल बा। ई रोग से 2700 भी बेसी आदमी संक्रमित भइल बा। अब खेलकूद समाचार। अर्जेन्टिनी स्टार लियोनल मेसी के अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमे 3 प्रतिबन्ध लगाओल गइल बा। कोपा अमेरिकी फुटबलमे भ्रष्टाचार भइल आरोप लगाओल मेसी के अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलसे 3 प्रतिबन्ध लगाओल गइल ह। मेसी तेसरका स्थान खातिर भइल चिली विरुद्धके खेलमे ब्राजिलके उपाधि जिताएला मिलोमतो कैल गम्भीर आरोप लगाउले रहलन्। मेसी दक्षिण अमेरिकी फुटबलमे चरम भ्रष्टाचार हो रहल कहत आरोप लगावत पद भी नालेवेके कहले रहलन्। तेसरका स्थान खातिर भइल प्लेअफमे मेसी के लाल कार्ड देखावत मैदान बाहर कैल गेल रहे। उ खेल अर्जेन्टिना 2-1 से जितल रहे। दक्षिण अमेरिकी फुटबल महासंघ मेसी के 3 प्रतिबन्ध के साथे 50,000 अमेरिकी डलर भी जरिवाना कैले बा। मेसी आपन ऊपर भइल कार्रवाई के विषय में 7 भीतर अपील कर सके के जनाओल गेल बा। प्रतिबन्ध संगे ही मेसी चिली मेक्सिको आ जर्मनी विरुद्ध सेप्टेम्बर आ अक्टूबर में खेले वाला मैत्रीपूर्ण खेल गवई हन। कोपा अमेरिका में अर्जेंटीना सेमीफाइनल में आयोजक ब्राजील से 2-0 से हारल रहे। भोजपुरी समाचार के अंत में प्रमुख समाचार एक बेर फेरु। प्रधानमंत्री केपी ओली इलाज खातिर सिंगापुर जा रहल, नेकपा के अध्यक्ष दाहाल आज स्वदेश लौट रहल।
बारह वर्षा के आनी पीड़ित खातिर आवास निर्माण कार्य अंतिम चरण में, तुकल समय में ही घर देवे की सेना के तैयारी। सीमावर्ती चुरे क्षेत्र के बासिंदा केरा खेती तरफ आकर्षित, केरा खेती आमदनी के मुख्य स्रोत बन रहा। कंगो में फैलल इबोला के महामारी अंत करला और 3 वर्ष लागी, नियंत्रण में गंभीर चुनौती सब देखल गई, अभियंता सबके कहना। आ अर्जेंटीनी फुटबॉलर लियोनल मेसी पर अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में प्रतिबंध, 3 महीना के प्रतिबंध साथे 50,000 अमेरिकी डॉलर जरिमाना। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमने के वेबसाइट jantasamachar.com में भी पढ़ आ देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।